Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So today we have to start our lesson number 6, question answers. We have to start lecture number 5 about that. So you have studied, or you can read chapter number 6, text, the whole translation of that chapter, and today we have to do 5 question answers. Then we will do 5 question answers. Question number 1 is, what was the subject discussed at the club? A subject matlab unwan keh sakte hain, mauzu keh sakte hain, discussed matlab is par baat ki gayi ho, guftgu at the club, club mein, yani club mein guftgu ka kya mauzu tha, subject kya tha, unwan kya tha, ya mauzu. आंसर है द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब, क्लब में जो इस मौजू पर बात हुई वॉज अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन, वो थी मौका, चांस, और डिटर्मिनेशन पुख्ता इरादा यानी अज़्म. हमें पता है कि सारे का सारा चैप्टर जो है वो बेस ही इन्हीं 2 पॉइंट्स पर करता है, तो ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट था डिस्कशन का वो अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन. तो सम सेड दैट अपॉर्चुनिटी वॉज रिक्वायर्ड, कुछ ने कहा कि मौका उसकी ज़रूरत होती है फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए, एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों लोगों को कभी नहीं मिलता. अदर सेट दूसरों ने कहा दैट ओनली डिटर्मिनेशन, कि सिर्फ पुख्ता इरादा जो है वॉज रिक्वायर्ड, वो ज़रूरी होता है फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड टर्बट थिंक ऑफ जॉर्कन्स आर्ग्यूमेंट्स. व्हाट डिड टर्बट थिंक, टर्बट ने क्या सोचा ऑफ जॉर्कन्स आर्ग्यूमेंट्स, जॉर्कन की जो नुक्ता नज़र है या उसकी जो राय है या बहसों में बादशाह जो भी उसके ऊपर, उसके बारे में उसने क्या सोचा. डिड जब क्वेश्चन में आता है तो इसका मतलब है कि कौन सा टेंस चल रहा है, पास्ट इंडेफिनेट का. ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट सिंपल पास्ट जो होता है हमारा. और जब क्वेश्चन में डिड आता है तो हम आंसर में क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ठीक है, क्योंकि डिड के जो है वो पास्ट को शो कर रहा है ना. जब डिड आता है तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिड के साथ थिंक जो आ रहा है वर्ब, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. लेकिन जब हम उसको आंसर में लेकर आएंगे, ठीक है, तो देन वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिकॉज डिड ऑलरेडी शो द पास्ट टेंस, बिकॉज इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इट्सेल्फ. सो व्हेन वी डोंट यूज डिड इन अ सेंटेंस, देन वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब टू शो दैट इट्स अ सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस. और टर्बट थॉट, टर्बट ने सोचा दैट जॉर्कन्स आर्ग्यूमेंट्स, के जॉर्कन के जो राय है या बातें हैं या मनाजरा है, डिड नॉट मेक सेंस, उसमें अकल की बात कोई नहीं है, यानी वो अकल के मुताबिक नहीं है. ही बिलीव्ड, उसको यकीन था दैट मियर डिटर्मिनेशन, के महज सिर्फ, मियर मीन्स महज सिर्फ, डिटर्मिनेशन पुख्ता इरादा वॉज नॉट एनाफ, जरूरी यानी कि काफ़ी नहीं होता फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए. तो हिम, उसके लिए अपॉर्चुनिटी, मौका वॉज वाइटल फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए वाइटल है, कंपल्सरी है, इसेंशियल है, लाजमी है. हाउ डिड, क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ डिड जॉर्कन्स कन्विंस, किस तरह से जॉर्कन्स ने कन्विंस किया, राजी किया देम, उनको, उनको मतलब लोगों को, दैट अ पर्सन कुड बिकम, कि एक शख्स बन सकता था स्केटिंग चैम्पियन. स्केटिंग यानी कि वो जो बर्फ पे आपको पता है स्लाइडिंग हम करते हैं, स्केटिंग चैम्पियन, चैम्पियन फाते, स्केटिंग का चैम्पियन या फाते ऑफ द सहारा, सहारा यानी डेजर्ट में, द बिगेस्ट यू कैन से डेजर्ट इन द वर्ल्ड विच नेम इज सहारा. तो सहारा डेजर्ट जो है, कहता है उसमें स्केटिंग चैम्पियन एक शख्स बन सकता था. जॉर्कन्स ने कैसे उनको राजी किया. जॉर्कन्स सेड, जॉर्कन्स ने कहा दैट अ मैन कुड बिकम स्केटिंग चैम्पियन, के एक आदमी बन सकता है स्केटिंग का फाते ऑफ द सहारा यानी सहारा डेजर्ट में, इफ ही स्टक, अगर वो डटा रहे टू हिज एम्बिशन, अपने मकसद पर, अपनी सॉरी ख्वाहिश पर, लॉन्ग इनफ, लंबे अरसे तक यानी तवील अरसे तक, एंड हार्ड इनफ, और सख्ती से. ही वुड मेक मनी, वो पैसे बनाएगा यानी कि पैसा इकट्ठा करेगा. बिल्ड अ स्केटिंग रिंग, बिल्ड मतलब तमीर करेगा, बनाएगा एक स्केटिंग का मैदान, रिंग मीन मैदान, एरिया इन द सहारा, सहारा डेजर्ट में, सहरा में, एंड ऑर्गेनाइज, और मुनक्कद करेगा कंपटीशन देयर, एक मुकाबला, यानी एक मुकाबला वहाँ पर जो है वो करवाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ डिड गॉर्जियस परसुएड,
जॉर्जियस ने कैसे रागिब किया हिज पीपल, अपने लोगों को, टू मेक देयर कंट्री, जो अपने मुल्क को बनाएं स्ट्रॉन्ग, मजबूत. अब देखिए अगेन क्वेश्चन में डिड आया है और साथ में परसुएड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है. डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज करते हैं. ओके, वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द हेल्पिंग वर्ब डिड बिकॉज डिड इटसेल्फ इज अ पास्ट टेंस. सो आंसर इज गॉर्जियस परसुएडेड. अब नाउ यू कैन सी दैट इफ वी यूज डिड इन द क्वेश्चन देन वी यूज इन द आंसर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. Because in the answer we are not going to use did. Because when we have to make any negative sentence or interrogative sentence, we use did. We use helping verb did. Otherwise, in a simple past and in a simple past, you can say past indefinite tense. In simple sentence, yani ke past indefinite ke tense mein jo simple sada jumla hota hai, usme kya karte hain hum? Second form of verb just use karte hain. और जब उसको हमें नेगेटिव यानी मनफी जुमला बनाना होता है या सवालिया बनाना होता है तो फिर हम उसमें यूज़ करते हैं डिड का हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए नेगेटिव बनाते हैं उसको और इंटरोगेटिव बनाते हैं. ओके, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. गॉर्जियस परसुएडेड हिज पीपल, गॉर्जियस ने रागिब किया अपने लोगों को टू मेक देयर कंट्री स्ट्रॉन्ग, बनाने के लिए अपने मुल्क को मजबूत या ताकतवर, बाई क्रिएटिंग अ पोस्ट, तख्लीक करते हुए एक ओहदा, एक कह लें कि आसामी, ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, दरबार के बाजीगर की. ही टोल्ड देम, उसने उनको बताया दैट अ यंग एथलीट, कि एक जवान या नौजवान खिलाड़ी एट कोर्ट दरबार में एग्जिबिटिंग परफेक्ट फिजिकल फिटनेस, एग्जिबिटिंग मुजाहिरा करे जो परफेक्ट फिजिकल फिटनेस यानी मुकम्मल, परफेक्ट मुकम्मल फिजिकल जिस्मानी फिटनेस तंदरुस्ती, यानी कि वो जो मुकम्मल जिस्मानी तंदरुस्ती का मुजाहिरा करे, वुड इंस्पायर, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मुतासिर करेगा देयर सोल्जर्स, उनके जो सिपाही हैं उनको, टू विन, जो जीते द जस्ट राइट्स ऑफ द नेशन. कौम के जस्ट राइट्स मीन्स जो जायज हकूक हैं, ठीक है, जायज हकूक कौम के, उनको जीते इन अ विक्टोरियस बैटल, फाते होकर यानी फतह या हो जिसमें फतह नसीब हुई हो, फाते जंग में अगेंस्ट द अकर्स्ड नेबर्स, अगेंस्ट खिलाफ देयर अकर्स्ड नेबर्स, उनके जो मलून या सख्त नफरत के काबिल जो हमसाए हैं उनके खिलाफ जंग में फाते होकर क्या वो सोल्जर्स जो हैं जीते उनके जायज़ हकूक. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस. गॉर्जियस के जो वालदैन हैं उनका नुक्ता नज़र या मौकफ, व्यू पॉइंट मीन्स मौकफ, नुक्ता नज़र, ठीक है, उनके गॉर्जियस के वालदैन का नुक्ता नज़र क्या था या मौकफ क्या था. The viewpoint of Gorgias parents was, मौकफ गॉर्जियस के वालदैन का था, that determination के पुख्ता इरादा, as well as opportunity, इसके साथ साथ जो मौका है यानी पुख्ता इरादे के साथ मौका, was required for success, ज़रूरत होती है कामयाबी के लिए, यानी उनके अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें कंपल्सरी होती हैं. Now, come to the comprehension based MCQs, which is based on your understanding to the chapter. So in what we have read in the chapter number 6, lesson number 6, the reward, there are some MCQs we have to solve. So choose the correct answer. First one is Jorkins said, Jorkins ne kaha that a man, ke aadmi who wanted to succeed, jo kamyab hona chahta tha, had to be, aise jo kamyab hona chahta hai, usko chahiye. To kya karna hai? An athlete, usko ek khiladi banna hai, a determined person, एक पुख्ता इरादा या पुख्ता अजम रखने वाला शख्स बनना है, अ लकी मैन, एक खुशकिस्मत आदमी बनना है, अ हार्ड वर्किंग पर्सन, या एक मेहनती शख्स बनना है. अब इन ऑप्शंस में से क्या होगा? जॉर्कन्स ने कहा कि एक आदमी को कामयाब होने के लिए क्या करना है, कि उसे एक डिटर्मेंट पर्सन बनना है, पुख्ता अजम रखने वाला शख्स बनना है. तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑप्शन है द मैन हु कीप्स ऑन, आदमी जो जारी रखता है यानी कायम जारी रखता है अपना उसका पुख्ता अजम को, ऑन, ठीक है, विंस, जीत जाता है, द रिवॉर्ड, सिला, द रेस, दौड़, द शील्ड, ठीक है, जो भी शील्ड मिलती है आपको पता है जो एक शील्ड होता है जो रिवॉर्ड के तौर पर मिलती है, द ट्रॉफी. अब इन ऑप्शन में से हमने जो चैप्टर में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या था, रेस, ठीक है, वो रेस जीत जाता है, दौड़ जीत जाता है. थ्री है ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन.
वो बन जाएगा स्केटिंग का फातेह इफ ही रियली गेव, अगर वो वाकई में दे सम मनी, कुछ पैसे, हिज पैशन, अपना जज्बा, ऑल हिज टाइम टू इट, सारे का सारा वक्त उसको, हिज एनर्जीज और अपनी जो ताकत है जितनी भी वो। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो वाकई में जीत जाता है, अगर वो अपना सारा वक्त इसको दे, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल हिज टाइम टू इट। फोर है ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन, वो उसने सोचा एक बहुत ही ज़्यादा अजीब एक्स्ट्रॉर्डनरी गैर मामूली एम्बिशन ख्वाहिश को, टू बी अपॉइंटेड के तैनात हो एन इंस्पेक्टर, अ मैजिस्ट्रेट, अ क्लर्क, अ कोर्ट एक्रोबैट। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कोर्ट एक्रोबैट, दरबारी, यानी कि वो बाजीगर दरबार का, उसने यही, उसकी जो एक्स्ट्रॉर्डनरी एम्बिशन था वो यही था। फाइव है एट द एज ऑफ 16 ही वॉन, 16 साल की उम्र में उसने जीता क्या, हाई जंप, हर्डल्स यानी बुलंद छलांग या रुकावटें, रुकावटों वाली दौड़ हर्डल्स, द 100 यार्ड्स रेस, 100 गज वाली दौड़, हाई जंप, द हर्डल्स एंड द 100 यार्ड। ये तीनों ऑप्शन, यानी जो लास्ट ऑप्शन है वो इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज वी इन द चैप्टर वी हैव रेड दैट ही हैज ही हैड वॉन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ गेम्स, यानी कि उसने हाई जंप भी जीता, हर्डल्स भी और 100 यार्ड्स की रेस भी। तो सिक्स है गॉर्जियस प्रोबेबली वॉन्टेड टू, गॉर्जियस जो है गालिबन चाहता था मेक हिज कंट्री पावरफुल, अपने मुल्क को ताकतवर बनाना चाहता था, प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग, अपने वालदेन को गलत साबित करना चाहता था, वेयर अ स्प्लेंडर्ड यूनिफॉर्म, वो या फिर वो पहनना चाहता था एक शानदार यूनिफॉर्म वर्दी, क्रिएट अ पोस्ट ऑफ एक्ट एक्रोबैट, या वो तख्लीक करना चाहता था एक ओहदा, एक आसामी दरबार के बाजीगर की। तो but we have read in the chapter, according to it, the answer number B is the right option, kyunki wo apne walidain ko galat sabit karna chahta tha. 7 is when Gorgias was inaugurated mean ohde par faiz karna, theek hai, jab Gorgias ko ohde par faiz kiya gaya, the people applauded, to logo ne taaliyan bajayi, because he, kyunki wo had achieved his ambition, first option hai ki usne hasil kar liya apni khwahish ko, लुक स्प्लेंडेड इन हिज यूनिफॉर्म, वो शानदार या आलीशान दिखाई दिया अपनी वर्दी में। सी ऑप्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द हर्डल्स एंड स्विंग्स, क्या ये ऑप्शन ठीक है कि उसने परफॉर्म किया, करके दिखाया अपनी जो हर्डल्स थी, रुकावटों वाली दौड़ जो है उसको परफॉर्म किया, या झूले जो है स्विंग्स लगे हुए थे उन पे उसने कोई करतब करके दिखाया, उनको कोई ट्रिक करके दिखाई, या ऑप्शन नंबर डी डिफीटेड हिज एनिमीज, या उसने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी थी। तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज ही हैड अचीव्ड हिज एम्बिशन, that's why people applauded, because next hai 8, the great throne room had been turned into a kind of, jo ek shahi kamra tha bahut bada taaj o takht wala kamra, usko badal diya gaya, kisme swimming pool mein, gymnasium yani ek aap keh le ke varzishgah mein, stadium mein ya race track mein, yani daud wala jo track hota hai, तो उसको जिमनेजियम एक, क्योंकि वहाँ पर चूँकि एक एक्रोबैट के लिए अकॉर्डिंग एक्रोबैट की पोस्ट थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा जो रूम था, ग्रेट थ्रोन रूम जो है उसको अकॉर्डिंग उसको किया गया था, अरेंज किया गया था, तो वो बिल्कुल एक वर्जिशगाह लग रही थी, जिमनेजियम लग रहा था। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 9 है टर्बर्ट, फर्स्ट ऑप्शन है आस्क जॉर्गन्स, जॉर्गन से पूछा व्हाट वाज हिज एम्बिशन, कि उसकी ख्वाहिश क्या थी, और सेकंड ऑप्शन है बिलीव जॉर्गन स्टोरी, उसने जॉर्गन की कहानी पर यकीन किया। सी ऑप्शन है डिसएग्रीड विद जॉर्गन्स, जॉर्गन्स से उसने, वो गैर मुत्तफिक था उससे, यानी इतफाक नहीं किया जॉर्गन्स से। एंड डी इज इम्प्रूव्ड जॉर्गन स्टोरी, या उसको बेहतर किया जॉर्गन की कहानी को। तो टर्बर्ट जो था उसने जॉर्गन से मुत्तफिक नहीं था, क्योंकि जो टर्बर्ट है वो बिलीव करता है अपॉर्चुनिटी पर, एंड जॉर्गन इज ट्राइंग टू कन्विंस देम दैट डिटर्मिनेशन इज मोर कंपल्सरी इन आवर लाइफ देन अपॉर्चुनिटी। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10 है गॉर्जियस अचीव्ड हिज एम्बिशन बाय, गॉर्जियस ने हासिल किया अपनी ख्वाहिश को किसके जरिए, बिल्डिंग अ स्केटिंग रिंक, बना के तामीर करके स्केटिंग का मैदान, और सेकंड है गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, सियासत में जाकर, गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, या फिर उसने जो है वह हासिल किया कोई मौका, एक मौका चांस, और डी ऑप्शन है विनिंग द 100 यार्ड्स, या उसने जीता 100 गज की रेस को। तो गॉर्जियस ने अपनी एम्बिशन को अचीव किया था कैसे, गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स में जाकर।
फिर उसने वो सारा जो है वो जब व्हेन ही हैड द पावर ही यूज दैट पावर एंड कन्विंस द पीपल और कम्युनिटी और द पब्लिक ऑफ एंड देयर ओपोनेंट्स ऑल्सो दैट देयर मस्ट बी अ पोस्ट ऑफ फोर्ट एक्रोबैट फॉर देयर स्ट्रेंथ ऑफ देयर कंट्री. सो नाउ कम टू द पेयर्स ऑफ वर्ड्स. फर्स्ट वी हैव डन 85 पेयर्स ऑफ वर्ड्स. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 86. डिग्री डिग्री है, कोर्ट में भी डिग्री कहते हैं. इट इज़ वेरी इजी, कहते हैं बहुत आसान होता है टू ड्रॉ बनाना खींचना एन एंगल ऑफ 90 डिग्री जाविया 90 डिग्री का 90 डिग्री का. ठीक है, डिग्री किस्मत को कहते हैं. मैन इज हेल्पलेस बिफोर द डिग्री ऑफ फेट. डिग्री बेसिकली हम फैसले को भी कह सकते हैं कि इंसान या आदमी जो है वो हेल्पलेस होता है और बिफोर द डिग्री ऑफ फेट किस्मत के फैसले के आगे. 87 है डेजर्ट सहरा या छोड़ना. द गोबी डेजर्ट इज़ वेरी डेंजरस टू क्रॉस. गोबी डेजर्ट इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट डेजर्ट यू कैन से. और कहते हैं कि इसको क्रॉस करना, इसको पार करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है. नेक्स्ट है डेजर्ट. डेजर्ट मीठा या मीठी डिश को कहते हैं. वी एड एग पुडिंग, हमने खाया एग पुडिंग, एक स्वीट डिश है इन द डेजर्ट मीठे में. अच्छा, जो फर्स्ट हमने डेजर्ट पढ़ा है वो वर्ड डेजर्ट है और नेक्स्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो डेजर्ट है, डेजर्ट. ठीक है, जो मीठी डिश होती है स्वीट डिश. 88 है डिवाइस. डिवाइस बोलते हैं हम तरकीब को. द क्लेवर फॉक्स, जो चालाक लूमड़ था या लूमड़ी, वो यूज अनदर डिवाइस, उसने एक और तरकीब जो है उसको इस्तेमाल किया टू ट्रैप, फंसाने के लिए. द फुलिश क्रो, एक जो बेवकूफ कौवा था उसको. नेक्स्ट है डिवाइस. डिवाइस का मतलब होता है ईजाद करना. सईद डिवाइज्ड अ न्यू काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर. सईद ने ईजाद किया एक नए किस्म का ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर आपको पता ही है सिग्नल्स के लिए जो यूज होते हैं. 89 ड्यू शबनम को कहते हैं, जो सुबह के टाइम जो शबनम के कतरे आपको नजर आते हैं. द ग्रास वॉज शाइनिंग, घास चमक रही थी. विद ड्यू ड्रॉप्स, शबनम के कतरों के साथ. अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मीन जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह में. नेक्स्ट है ड्यू. वाजिबुल अदा को कहते हैं, यानी जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसके लिए हम यूज करते हैं. व्हाट इज, व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन ड्यू, यानी कि जो नेक्स्ट ट्रेन है वो कब आएगी, उसका वक्त मुकर्रा वक्त क्या है. 90 डिफरेंस इख्तलाफ. आई सी नो डिफरेंस बिटवीन द टू सिस्टर्स. मैंने देखा नो डिफरेंस, कोई इख्तलाफ नहीं बिटवीन द टू सिस्टर्स, दो बहनों के दरमियान. दो बहनों के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं देखा. नेक्स्ट है डेफरेंस. डेफरेंस वी कैन से इट्स मीनिंग इज अदबो एहतराम. वी शुड ट्रीट आर एल्डर्स, हमें पेश आना चाहिए आर एल्डर्स अपने बड़ों के साथ विद डेफरेंस, अदबो एहतराम से. So, what we have read today, first 5 questions of chapter number 6 and comprehension based MCQs and 5 pairs of words. Students, please learn these slides or what we have taught you through these slides or through this mode of communication. Learn it day by daily and regularly. So, it will be helpful for you. I hope you are learning all these things regularly. So, till then, till the next lecture, Allah Hafiz.